नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं ग्रामीण परिवेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहा हूं, तो इसी के अंतर्गत आज जो मैं कवर करूंगा दोस्तों वो है पंचायती राज। ये मेरा भाग नंबर 3 होगा। इससे पहले दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न और उत्तर प्रदेश में किस तरीके की कृषि है, किस तरीके के इनसे प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ पर जाकर के आप लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैं अन अकेडमी पर भी दोस्तों एक एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मेरी ऑल इंडिया जो रैंक है दोस्तों मैं 5वें नंबर पर हूँ। ठीक है, ऑल इंडिया मेरी जो रैंक है वो 5वीं है, और जो मैंने कोर्स बनाए हैं दोस्तों वो केवल वीडियो एग्जामिनेशन 2018 के लिए सारे कोर्सेज को तैयार किया हुआ है, जिसमें से दोस्तों जीएस का जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि अभी तक भी अगर आप लोगों का जीएस में स्कोर अच्छा खासा नहीं बन पा रहा है तो आप लोग दोस्तों मेरे द्वारा बनाए हुए 4000 इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग इनको कर लेते हैं 4000 प्रश्नों को, तो दोस्तों ईजिली आप लोग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 ईजिली कर सकते हैं। इसी के अलावा ग्रामीण प्रवेश के बहुत ज़्यादा डीप में मैंने कवर किया हुआ जाकर के, और 500 अति महत्वपूर्ण कवियों की ट्रिक्स भी पड़ी हुई हैं। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इन सारी वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पंचायती राज की संकल्पना से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों इसकी जो संकल्पना से तात्पर्य यह सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्या है सत्ता का विकेंद्रीकरण से इसकी संकल्पना का तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है कृषि विकास, बागवानी, खादी ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से की गई। तो कुल मिलाकर के बात की जाए तो पंचायती राज की जो स्थापना की गई वो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए की गई। ठीक, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज के लिए किसको प्रमुख अंग माना गया है। तो दोस्तों इसे माना गया ग्राम स्वराज को प्रमुख अंग माना गया है, तो इस बात को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 40 में, तो याद रखें संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अगला है कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब दी गई। तो दोस्तों 1993 में इसे संवैधानिक मान्यता दी गई, तो याद रखें। अगला प्रश्न दोस्तों है कि स्वतंत्र भारत में किसके विचारों से प्रेरणा लेकर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेकर के पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ठीक, नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये किया गया 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। ठीक, अगला है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कितने स्तर की व्यवस्था है, इस पर स्टार बना लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 3 स्तरीय व्यवस्था है, पहला है ग्राम और नगर पंचायत, दूसरा है तहसील पंचायत, और दोस्तों नेक्स्ट है कि जिला पंचायत। तो ये कुल मिलाकर के 3 स्तर की व्यवस्था होती है पंचायत राज व्यवस्था। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की व्यवस्था है, तो कुल मिलाकर के 3 स्तर की व्यवस्था है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जैसे पहली योजना है कि निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसे शुरू किया गया था जुलाई 2005 में। ठीक, नेक्स्ट है कि निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब लागू हुई थी। तो दोस्तों इसे शुरू किया गया था सितंबर 2005 में। अगला है दोस्तों कि बालिका श्री योजना की शुरुआत कब की गई, ये 2006 में की गई। और ये भी पूछा जाए अगर आपसे कि बालिका श्री योजना का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो था कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान कराना। ठीक, नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म एवं बाईसाइकिल अनुदान योजना शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों ये 2003 से 2004 में इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना कब बनी। तो दोस्तों 20 फरवरी 2013 में बनी। अगला है कि अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना कब लागू हुई। तो दोस्तों 2008 में लागू हुई। तो ये थी दोस्तों 7 कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। इसके अलावा दोस्तों कुछ माप की इकाइयां हैं, उनको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ ली जाती हैं, तो मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भू नापने के पैमाने क्या क्या हैं।
देखिए, एक लाठा जो होता है वो 99 इंच या फिर 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। 99 इंच या फिर 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है, याद रखें। नेक्स्ट है कि 20 उनबासी कितने के बराबर होती है, तो 20 उनबासी जो होती है एक काचा बासी के बराबर होती है, ठीक। और 20 काचा बासी जो होती है वो 201 बिस बासी मतलब कि एक वर्ग लाठा के बराबर होता है। और नेक्स्ट है कि 20 बिस बासी या 20 वर्ग लाठा किसके बराबर होता है, ये 1 बिस्वा या 13 61 वर्ग फीट के बराबर होता है, ठीक, याद रखें। नेक्स्ट है कि 20 बिस्वा किसके बराबर होता है, ये 1 बीघा के बराबर होता है या फिर 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि 1 गज इलाही किसके बराबर होता है, ये 255 गज के बराबर होता है, 1 गज इलाही, ठीक। नेक्स्ट है कि 1 बीघा कितने के बराबर होता है, दोस्तों ये होता है 60 गुणा 60 वर्ग गज इलाही के बराबर होता है, ठीक। ये पीछे की यूनिट आप लोग याद रखें, अगर ये पूछा जाए कि गज इलाही में बताओ तो आपको बताना है 60 गुणा 60 वाला, अगर ये पूछा जाए कि वर्ग गज में बताओ तो आप लोगों को बताना 55 गुणा 55 मतलब कि 30 25 वर्ग गज, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखें, जिस यूनिट में पूछा जाए आपका आंसर उसी यूनिट में होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट मेरे चैनल के में, तो आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक। इसी के अलावा दोस्तों एक खास इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ आप लोगों को, दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रामीण प्रवेश को अच्छी तरीके से कवर नहीं किया है तो मैं आप लोगों को 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करा रहा हूँ, ठीक है, जो कि PDF फॉर्मेट में होंगे। अगर आप लोग ये PDF को परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपली आप लोगों को 49 रुपये का केवल पेमेंट करना होगा इस नंबर पर, ठीक है। इस पे आप पेमेंट करने का माध्यम क्या है, आप पेटीएम से भी कर सकते हैं, भीम ऐप से भी कर सकते हैं, आप दोस्तों फ़ोन पे या फिर गूगल पे से भी कर सकते हैं। जब आप पेमेंट करें तो दोस्तों अपना नाम और स्क्रीनशॉट उस पेमेंट का ज़रूर मुझे सेंड कर दें, ताकि मुझे पेमेंट वेरीफाई करने में आसानी हो और मैं आप लोगों को आसानी से PDF भेज पाऊँ। अगर आप लोग इतने क्वेश्चन कर लेते हो दोस्तों, 500 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं काफ़ी दिनों से इन पर काम कर रहा था, अगर आप लोग इतने कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण प्रवेश सेक्शन से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकता था उतने मैंने करा दिए हैं, ठीक। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए जा करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे क्या होगा, जितनी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF रहती हैं या फिर मेरे जो वीडियोस के लिंक रहते हैं अनअकैडमी का, मैं वहाँ पर सेंड करता रहता हूँ, ठीक। तो वहाँ पर आप लोग ईजिली मुझसे जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।